हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अबाउट सिद्धांत। अबाउट सिद्धांत से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में यही सीखने वाले हैं। तो अबाउट सिद्धांत को देखने से पहले, सीखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब सेल को देख लेते। सब सेल क्या होता है, उपकक्षा क्या होता है, सब सेल को ही बोला जाता है। देखिए ध्यान से, इसे उप सेल भी बोला जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। इसमें सब सेल पढ़ना और सब सेल में ही क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सब सेल को देख लेते हैं। जो परमाणु में सेल होता है, वह सेल विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले भागों में बटे होते हैं, यानी अलग अलग छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में विभक्त होते हैं, जिसे हम लोग सब सेल कहते हैं। उसे SPDF द्वारा डिनोट किया जाता है, SPDF द्वारा। जो सेल होता है उसको KLMN द्वारा डिनोट करते हैं, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8 और 18, 32 होता है। होता है कि नहीं होता, इसे आप लोग जानते हैं, बतलाया गया है, ध्यान से समझिए। सबसेल क्या होता है, वही कक्षा विभिन्न ऊर्जा वस्त्रों वाले में बटे होते हैं, जिसे हम लोग सबसेल कहते हैं। इससे SPDF द्वारा डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। उसी तरह अब इसमें भी देख लेते हैं। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में 6, D में 10 होता है और F में 14 होता है। समझे, सबसेल को SPDF में बांटा गया है, वही सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, वही क्या कहलाता है, अबाउट सिद्धांत। तो अबाउट सिद्धांत के परिभाषा हम लिख दिए, और ऑर्बिटलों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में भरने के प्रक्रम को अबाउट सिद्धांत कहते हैं। यानी जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटलों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रम, यानी हम ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, वही क्या कहलाता है, अबाउट सिद्धांत। अबाउट सिद्धांत कैसे इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है, मेन यही समझना है। थोड़ी ध्यान से समझिएगा कैसे उसको इलेक्ट्रॉनों के वितरण किया जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। ध्यान से समझिए कैसे सबसेल किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को वितरण करने के लिए नियम समझिए अबाउट सिद्धांत से कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये सबसेल तो SPDF में बटे होते हैं, इतना बात को आपने समझ लिए। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। आप पढ़े होंगे कि KLMN, K में एक सबसेल होता है, S होता है। L में S और P दो सबसेल में बटे होते हैं। KLM में देखिए, M तीन सबसेल में SPD में बटा होता है, और N क्या होता है, SPDF, ये चार सबसेल में बटे होते हैं। M सेल इसे बोलते हैं, या कक्षा बोला जाता है, यानी K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा। तो N कक्षा SPDF सबसेलों में बटे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का कैसे वितरण किया था, वही समझिए। पहले पहला कक्षा लिखते हैं 1s2, यहाँ पर लिखते 2s2। अब देखें, दो में बटा हुआ है, तो 2p6, ये 1s2 यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी s सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 2p6 लिख दिए हैं। 2 के बाद आता है नंबर 3, 3s2, 3p6, 3d10, ये इसके कक्षा को बतला रहे, यानी सेल बतला रहा है तीसरा सेल में। उसी तरह चार नंबर में है, तो 4s2, 4p6, 4d10 और 4f 14 ले लिए। उसी तरह इसको एक बार और रिपीट करके लिखते, ये अबाउट सिद्धांत का नियम है, इसी तरह लिखा जाता है। 4s2, यहाँ पर 4 के पास बाद में 5 लिखेंगे, समझे। 5s2, 5p, देखिए यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5p6, यहाँ पर 5d10,
यहाँ पर हो जाएगा 5F14, समझे, ये ऑर्बिटल है। फिर एक कम करके लिख देंगे 6s2, 6p6, 6d10। अब यहाँ पर लिख देंगे 7s2, 7p6। आगे चाहेंगे तो और बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक ज्ञात तत्वों में 118 तत्व है। इस सभी इलेक्ट्रॉन को आप गिनेंगे तो 118 तत्व पूरा हो जाएंगे। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे सीख लेते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब करते हैं, सबसे पहले यह भी देख लेते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन का वितरण किए हैं। ये तब्बाउस सिद्धांत से किए, ये समझ लिए कि एस उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो। यहाँ पर समझिए एस उप, इसको भी लिख लीजिए, एस में दो इलेक्ट्रॉन आता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। देखिए चार 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 बढ़ते गए, इस बात से आप लोग याद कर लीजिएगा, एस पी डी एफ, यानी सबसे में किस सबसे में बटा होता है, एस पी डी एफ में बटा होता है, समझे। तो ध्यान से समझिए आप किस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्वों को करते समय हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लेते हैं, हमेशा इसी डायरेक्शन में लेंगे, यानी इसको लेने के बाद हम इसको लेंगे, इसको लेने के बाद इसको लेंगे, जो जो तीर के एरो पर आ रहा है उसको हम लोग ले लेंगे, इसको ले लेंगे, फिर इसके बाद लेंगे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, फिर ले लेंगे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, फिर ले लेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इसी तरह से हम लोग चलेंगे। देखिए अगर 1s2 पहले क्या लेंगे, 2p6, अगर 2p6 पर हम लोग लास्ट कर दिए तो डायरेक्टली अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 2p6 यहाँ पर, 2s2 पर लास्ट किए तो 2p6 पर, 2p6 पर 3s2 लेंगे, 3s2 से तुरंत लेंगे किसको, 3p6। इसी तरह ले करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आइए सामने आपको लिख देते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय 1s2 यानी इसको पूर्णतः भरेंगे, इसको पहले तो 1s2 लिखेंगे, 1s2 पहले लेंगे 2s2 लेंगे, 2s2 इसको ले लिए तो देखो एरो इस तरह जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2p6, अब इसके बाद यहाँ से इसको ले लेंगे 3s2 ले लिए तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3p6 के बाद आएगा 4s2 के बाद आएगा 3d10, इसके बाद आएगा 4p6, इसके बाद आएगा 5s2, इसके बाद आएगा ये यहाँ से लास्ट किया तो डायरेक्ट अब यहाँ आएंगे 4d10, इसके बाद लेंगे हम लोग 5p6। इसी तरह आगे बढ़ करके हम लोग लास्ट तक लिख देंगे और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते हैं। तो आइए अलग अलग तत्वों को लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग तत्वों से होता है। तो ये था बाउस सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनों का भरने के तरीका ये है, इस डायरेक्शन में चलें, इसके बाद हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे, इसको लिए तो इसके बाद ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको लेंगे, अगर यहाँ से लास्ट किया तो फिर यहाँ चलेंगे, यहाँ से लास्ट किया इधर चलेंगे, ये एरो लास्ट कर जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह एग्जाम्पल बनता है। तो आइए देखिए ये एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब करेंगे, वह भी अब बाउस सिद्धांत के आधार पर करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ध्यान से समझिए इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले लेंगे किसको, इसी को, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 लेंगे। हम 2 क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें 1s2 लिखने के मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकता है, लेकिन लाए हैं कितना, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम HE2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले 1s2 तो लिखेंगे, 1s2 देखें कि 1s2 लिखने के बाद हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भर रहा है, यह भी पूर्णतः भर गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लिथियम Li3 कैसे लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे और 1s2 लिखने के बाद देखो तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, तो तीन गो में से दो इलेक्ट्रॉन भर गया, ऑर्बिटल भर गया, बचा एक इलेक्ट्रॉन। 1s2 पहले डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2s2, तो लेकिन 2s2 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ अधिकतम लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन का विन्यास कैसे किए, तो दो इलेक्ट्रॉन भर गया, तीन में से दो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए, तीन में से दो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 2s1 लिख दिए। देखो अगर हम लोग चाहते तो 1s2 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या इस तरह भी कर सकते हैं, ये तो एक नियम समझ लिए। 1s2 इसके नज़दीकी अक्रिय गैस कौन है, हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस होता है, तो 1s2 लिखे ना, तो हम हीलियम लिख करके डायरेक्ट 2s1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शुरू में 1s2 आया है, तो डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, आप लोग नहीं समझेगा तो इस तरह भी कर लेंगे। बेरिलियम B4 का यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर इससे करें या इससे करें दोनों बात सेम है, पहले 1s2 आएगा, 1s2 लिख लिए, इसके बाद 2s2 आएगा तो 2s2 लिख लिए, ध्यान से समझिए, बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, चार इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, समझे, बेरिलियम B4 का। बोरॉन B5 का देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसको भी स्टार्ट करेंगे 1s2 से, 1s2 इसके बाद 2s2 लेंगे, 2s2 ले लिए, देखिए दो दो चार इलेक्ट्रॉन भर गया, कौ गो इलेक्ट्रॉन है, पाँच गो, पाँच गो में चार इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, 1s2 2s2 इसके बाद लेंगे 2p6 इसके बाद 2p, लेकिन चार इलेक्ट्रॉन भर गया तो बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही भर सकते हैं, समझे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतलाना होता तो देखिए ये दो दो कक्षा है ना, दूसरा कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन भरा है, दो दो है तो तीन इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो तीन इसका संयोजकता हो जाता, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का समझ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s2 फिर आएगा 2s2 इसके बाद 1s2 2s2 2p6 इसके बाद ले लेंगे 2p6 इसके बाद 2p6 पहले 3s2, लेकिन समझो यहाँ पर छः इलेक्ट्रॉन, दो दो चार इलेक्ट्रॉन भर गया तो दो इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2p2 होगा यहाँ। नाइट्रोजन N7 का 1s2 होगा, 2s2 होगा, 1s2 2s2 2p6 लिखेंगे 2p, लेकिन साथ है दो दो चार बचा तीन, तो तीन कर देंगे, समझे, यानी p ऑर्बिटल में आया। अब समझते हैं O का, इसका भी 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 इसमें भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो दो चार चार इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या लिख देंगे, यहाँ चार लिख देंगे, समझे। ये था ऑक्सीजन तक, आगे का और बड़ा बड़ा लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर ले, जरूर नोट कर ले। आइए ये सारा एग्जांपल भी उसी तरह लिखते हैं हम लोग, देखिए मैग्नीशियम Mg12 के लिए स्टार्ट करेंगे तो यहीं से 1s2 2s2 2p6 पहले इतना भर लेते हैं, 1s2
2s2 2p6। देखो कौन इलेक्ट्रॉन है, 12, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए। 1s2 2s2 2p6 आएगा 3s2 में, तो लिखेंगे यहाँ 3s2। तो ध्यान से समझो, ये 12 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ कि ना हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप क्लोरीन के देख देख लेते हैं, इसका भी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। इससे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 लिख दिए। देखे कौन को इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है, कितना 17 को। 2p6 पहले क्या आएगा, 3s2, तो 3s2 लिखेंगे। 3s2 पहले क्या आएगा, 3p6। अब देखो तो 17 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18, यानी 18 हो रहा है, करना है 17, तो 6 की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। समझे, यहाँ आर्गन का समझते हैं। देखिए आर्गन अक्रिय गैस है, इसका बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 3 और 3 दिख रहा है ना, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 आर्गन के समझते हैं। इससे आप एक को नोट करके लिखे, चाहे इससे डायरेक्ट लिखे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही हो गया 18 को। 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 18 है। इसके बाह्यतम कक्ष देखिए, तीसरा सेल में समझिए, तीसरा सेल में सब सेल पूर्णता भरा है कि ना भरा है, 6 2 8, इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अस्थाई है, यही अक्रिय गैस का होता है, कैल्शियम Ca20 का। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s2, आप लोग यहाँ से भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, पहले ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, यहाँ से लास्ट किया फिर इसको लिखेंगे। समझे, 1s2 यहाँ से हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद 2s2 लेंगे, फिर इसके बाद 2p6 लेंगे, फिर इसके बाद 3s2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3p6 लिखेंगे। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन पूर्ता, 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18, अब आ जाएगा 4s2, 18 2 20। तो बाह्यतम कक्ष देखो चौथा ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूरा कर देंगे। समझे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 6 8 2 10 6 16 4 20, यानी 20 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन को पूर्णता भर दिए हम लोग। कैल्शियम को इस तरह न लिख करके, अगर हमको याद है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास p6 3p6 तक जाता है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ तक जाता है, 3p6 तक जाता है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p, देखो तो ये वाला जो ब्लू से लिखे हैं और ये वाला जो लिखे सेम है कि ना है, यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आर्गन लिख दिए, आर्गन 3p6 तक गया है, 3p6 तक, घट क्या रहा है 4s2, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आर्गन लिखने के मतलब समझिए कि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन पूर्णता भर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो डायरेक्टली 4s2 उठा लेंगे। इसको शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जिंक 30 का वीडियो को इतना तक लास्ट करते हैं, आप लोग जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। समझे, तो आई होप कि आप ये अबाउट सिद्धांत समझे होंगे। तो आप लोग अगर समझे होंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ताकि आपका दोस्त भी अबाउट सिद्धांत सीख करके एग्जाम क्लियर कर पाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।